निर्वाणी को समर्थ प्रदान करें, मैं गोविंद का गुणगान कर सकूं। श्री किशोरी जी राधा रानी का स्मरण करते हुए, श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जुगोदास, जन्म जन्म मोहे दीजियो, श्री चरण को वा Hey, Gopal.
आपका पढ़ाई का समय है। अभी फिर युवतियों को देवियों को कहती हैं, अभी आपके खेलने खाने की उम्र है और भक्ति की अभी उम्र नहीं है। इस दुष्प्रचार से, इस दुष्ट भावना से बचना परम आवश्यक है। जो फिर भी नहीं मानती, ऐसा ही बोलती रहती है माताएं, क्षमा चाहूंगा, वो माताएं भी भगवान की भक्ता नहीं होती। जो भक्ति करने से रोके वो भक्ता नहीं, वो तो भगवान के मंदिर में राम राम इकट्ठी करने के लिए जाती है बस, कि मेरे को बड़ा अच्छा समझे कि मैं रोज मंदिर में जाती हूँ और सब मेरे को राम राम करेंगे और ये बड़ी अच्छी है मंदिर में रोज जाती हूँ। ऊपर से दिखावा माता है वो भक्ति नहीं। भगत वो है जो बच्चों को भक्ति में लगाए, अपने बच्चों को, बच्चों को कथा में जरूर लेके आए पर ये ऐसे छलांग लगा रहे हैं, इनको पकड़ के अपने पास में बैठाना चाहिए। कुछ देवियां, कुछ माताएं बहने कहती हैं, हमारे तो बच्चे मानते ही नहीं, हम तो चाहती है भक्ति करें, कथा में आवे, लेकिन मानते नहीं, ये गलत बात है। सब मानते हैं, जब बच्चे का प्रथम क्लास में, पहली कक्षा में दाखिला कराते हैं, कोई बच्चा आसानी से रोज नहीं जाता स्कूल में, और वही दादी माँ उसको पीट पीट के स्कूल में छोड़ के आते हैं। बस वाले को कहते हैं तेरी जिम्मेवारी आ गया, हमारी तो यहाँ तक की थी, फिर स्कूल वालों को कहते हैं अब आपकी जिम्मेवारी है, हमारा बालक अंदर ही रहना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से बाल अवस्था में बच्चे को डांट कर गुरुओं की शरण दे देनी चाहिए और गुरु जी को कहना चाहिए, गुरु जी ये अब आपकी शरण है, आपके अर्पण है, आपकी बात ना माने तो फिर डंडा तैयार है। घर से हम डांटेंगे और यहाँ गुरु जी डांटेंगे, क्यों बच्चा नहीं मानेगा। बाल्यकाल में ही काम हो जाए तो युवावस्था में वो बालक माँ बाप को परेशान नहीं करेगा। बोलिए जय श्री कृष्ण। परीक्षित ने बड़ा अच्छा अपने राज्य कार्य को संभाला, समय बीतता गया। परीक्षित के घर में चार पुत्र हुए, और बड़े पुत्र का नाम जनमेजय। परीक्षित महाराज ने देखा अब जनमेजय युवा हो गया, राजकाज को संभालेगा और मैं कुछ संतों के दर्शन के लिए समय निकालूंगा। सुदूर जंगल में चले गए, संतों के महापुरुषों के दर्शन करने के लिए हर रोज जाते थे परीक्षित महाराज। क्यों? अर्जुन के पुत्र हैं, पांडवों के पोता है वो, और पांडव तो भगवान कृष्ण के परम लाडले भक्त हैं। जैसे हमारे परिवार के लोग होंगे, बाल गोपाल जरूर संस्कारी होते हैं। संग में रहकर जो कार्य बालक सीख जाए, संग कार संस्कार, और संसार में संग ही सार है। जैसे संगत
वैसी रंगत वैसा ही सीखेगा बालक। बड़े धर्मात्मा है महाराज परीक्षित, हर रोज वेश बदल बदल के संतों के आश्रम में जाते थे, मंदिरों की सफाई करते थे। सुबह सुबह 4 बजे पूरे मंदिर में डस्टिंग करना, झाड़ू पोछा करना, सफाई करना, जल का छिड़काव करना, मंदिरों की सफाई करना। मंदिरों में फूल चढ़ाने वाले बहुत हैं, जल चढ़ाने वाले बहुत मिल जाएंगे, ऐसा कहने वाले भी बहुत मिल जाएंगे कि इस मंदिर में सफाई नहीं करते, जो रहते हैं वो ध्यान नहीं देते। लेकिन प्रयास करो कि हम मंदिरों में स्वयं सेवा करें, स्वयं सफाई करें। वो भगवान का घर है, आप भगवान के मंदिरों में रोज जाएं। जरूरी नहीं कि जहां भगवान की मूर्ति है वहां तो 10 लाख माताएं झाड़ू पोछा कर रही है, और बगल वाले स्थान में बाहर बरामदे में कोई सफाई नहीं। तो सब जगह पे ऐसी जगह सब ही भगवान का घर है, वो ऐसा देख लेना चाहिए। यहाँ तो सफाई मेरी बहन कर दी, मैं दूसरी जगह कर दू। थोड़ा थोड़ा समय 5-5 मिनट का अगर सब निकाले, जितनी देवियां मंदिर में आती हैं, हमारा ही मंदिर है, हमारा ही आश्रम है, हमारा ही गांव है, हमने ही बनाया है, गुरु जी भी हमारे ही हैं, सब व्यवस्था अच्छी तरह से बन जाएगी। निर्माल्या उतारते हैं, पुष्प उतारते हैं, उतार के एक माई सब फूलों को एक जगह फेंक जाएगी, दूसरी आएगी बोले यहाँ बताओ यहाँ क्यों फेंक दिए। आपस में ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रयास करो। यहाँ इसलिए फेंक दिए क्योंकि यहाँ कोई पात्र नहीं रखा था, डस्टबिन नहीं था, बर्तन नहीं था कुछ उसको रखने के लिए। जब आपने यहाँ 3 दिन से 4 दिन से 10 दिन से आप देख रहे हैं यहाँ कोई फूल डाल रहा है, आपके अंदर श्रद्धा भावना होनी चाहिए। 100-200 रुपए का कोई डिब्बा ले आके वहां पे रख दो, अगले दिन आप उसमें डाले मिलेंगे, बोलो जय श्री कृष्ण। गालियां देने से, किसी को भला बुरा कहने से व्यवस्था को बनाए रखना यही पूजा है। परीक्षित ऐसे थे, संतों के आश्रमों में जाते वेश बदल बदल के, क्योंकि राजा को कोई झाड़ू पूजा करने नहीं देता। ऐसे सब कहते हैं महाराज मैं करूं, महाराज क्या करते सिविल में जाते अपने सिंपल कपड़े में, साधारण कोई पहचान ना पावे। एक दिन महाराज ऐसे संतों के दर्शन करने के लिए जाने लगे, और चलते चलते उन्होंने अपने राज्य कोष में देखा एक सुंदर से मुकुट को, वो मुकुट उठाया और पहन लिया। दर्पण में देखा बड़ा सुंदर मुकुट है, लेकिन वो मुकुट सुंदर था पवित्र नहीं था। बोली जय श्री कृष्ण, सुंदरता में और पवित्रता में अंतर होता है। बर्तन हम जो भोजन में प्रयोग करते हैं वो स्वच्छ साफ सुंदर और पवित्र दोनों होने चाहिए। आजकल पवित्रता को देखते नहीं बस सुंदरता को देखते हैं, बर्तन में कुछ लगा नहीं, बर्तन साफ है स्वच्छ है लेकिन पवित्र नहीं। पवित्र वो तब होगा जब उसको भस्म से भभूति से स्वच्छ किया जाएगा, निर्मल किया जाएगा और गलत स्पर्श नहीं होगा उसे। ध्यान रखना पड़ेगा।
इतना ही अंतर होना चाहिए हमारे शरीर की सुंदरता और शरीर की पवित्रता। सुंदर भले ही ना हो, पवित्रता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर इस संस्कृति के हिसाब से हम चलते रहते तो कभी कोरोना जैसे भी आपदा नहीं आ सकती। बोलिए जय श्री कृष्ण। महाराज परीक्षित ने वो सुंदर से मुकुट को पहन लिया। वो मुकुट पवित्र नहीं था। क्यों? क्योंकि वो मुकुट महाराज जरासंध का था। भीमसेन ने जब जरासंध का वध किया, मुकुट को उठा ले आया, उसमें जो स्वर्ण लगा था, सोना था, वो सब पाप का सोना था। उसमें जरासंध के मुकुट में को पहन के राजा परीक्षित संतों के दर्शन के लिए वन में चले गए। चलते चलते उसे दूर चले गए। बड़ी जोर की प्यास लगी। जैसे ही प्यास लगी, सामने एक संत का आश्रम दिखाई पड़ा। शमी मुनि जी आश्रम में विराजमान थे, ध्यानस्थ थे समाधि में। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। निर्विकल्पक समाधि में समीप मुनि पहुंच चुके थे। राजा परीक्षित गए, जाते ही प्रणाम किया। ओम नमो नारायण। लेकिन समीप मुनि नहीं बोले, जगे नहीं, समाधि में थे। उन्हें पता नहीं कौन आया कौन नहीं। एक बार बोले, दो बार बोले, राजा परीक्षित ने बाहर निकलकर देखा आश्रम से, कोई दिखाई नहीं पड़ा। एक बैल और एक गौ माता पर नजर पड़ी। बैल क्या करता है, तीन पांव बैल के काट दिए। एक काले रंग का वो पुरुष बड़ा लंबा तगड़ा, हाथ में नंगी तलवार लेके बैल के तीन पांव काट दिए और चौथे पैर को भी काटने के लिए उतार रहा था। परीक्षित ने कहा, कौन हुआ? कहने लगा, महाराज मेरा नाम कलयुग है। कलयुग, आप मुझे जानते हो? महाराज जानता हूं। आप पांडवों के पुत्र, अभिमन्यु के पुत्र महाराज परीक्षित हैं। मेरे राज्य में आपने सोच कैसे लिया कलयुग का वास हो सकता है? और ऐसा अनर्थ कलयुग नहीं चाहता। बैल किसे कहते हैं? धर्म को। धर्म के चार चरण होते हैं, सत्य, दान, दया और पवित्रता। कलयुग में केवल एक चरण बचा, सत्य। तीन चरण धर्म के कलयुग ने समाप्त कर दिए। चौथे चरण को भी समाप्त करने के लिए उतारू है। राजा परीक्षित ने कहा, अपना धनुष बाण निकाला और कलयुग को कहते हैं, मैं तुम्हें अभी नष्ट करता हूं।
या फिर मेरे राज्य को छोड़कर कहीं अन्य स्थान पर चले जाइए। कहने लगे महाराज आप मुझे मार दें, मृत्यु दंड दे सकते हैं, लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूं जहां से सूर्य उदय होता है और सूर्य अस्त तक सब जगह ही आपका राज्य है, महाराज जाऊं कहां? ऐसी कोई पृथ्वी पर जगह नहीं जहां आपका राज्य नहीं, तो रहूं कहां? मुझे कोई स्थान दे दीजिए जहां मैं रह सकूं। परीक्षित ने कहा विचार करके बोले चार स्थानों पर आप रह सकते हो, द्योतम पानम स्त्रियः सूना यत्र अधर्म चतुर्विधः। हे कलयुग जहां जुआ खेला जाता है वहां जाकर के रखो, जहां मदिरा पान किया जाता है वहां जाकर के रखो, वैशालय में आप रह सकते हो और जहां जीव हत्या मांस मृति का भक्षण होता है वहां आप रह सकते हो। इन चार स्थानों में आप रहिए। कलयुग ने विचार किया, चार स्थान महाराज ने बताए, चारों में से महाराज कोई काम करते नहीं, ना महाराज परीक्षित जुआ खेलते, ना मदिरा पान करते, ना परस्त्री गमन करते और ना मांस भक्षण करते। जब तक राजा पर मेरा प्रभाव नहीं पड़ेगा तब तक इसके राज्य में रहने का औचित्य क्या है? कहने लगे महाराज आपने चार स्थान बताए, चारों स्थान बड़े अपवित्र हैं, कोई एक अच्छा सा सुंदर सा स्थान भी मुझे दे देते तो मैं सौभाग्य समझता अपना। परीक्षित ने जल्दबाजी में बोले चलो सोने में आप रहो, कहां? सुवर्ण में। सोने में कलयुग का वास है, लेकिन गीता में ऐसा भी लिखा है धातुना अस्मि कांचनम। भगवान कृष्ण कहते हैं धातुओं में सोना मैं ही हूं, मेरा ही रूप है सोना। तो दो बातें हो गई, एक तरफ कहते हैं सोने में कलयुग का वास, दूसरी तरफ भगवान कहते हैं सोना मेरा ही रूप है। तो बताया गया जो नेक कमाई से ईमानदारी से कमाया धन हो उससे खरीद गया सोना, उस सोने को व्यवहार में हमने अपने बेटी को दे दिया, पहन लिया, उसमें भगवान का वास है। लेकिन जो जो दूसरा सोना होता है ना, कौन सा, अभी थोड़ी देर पहले जो सब जगह फैल गया था, जो ऐसा ऐसा वैसा सोना होता है और जो भगवान को भूल करके भी सोना होता है, जो व्यक्ति 99 के चक्कर में ही है, सो नहीं हुई आज, वो भी सोना है, उसमें कहा कि सोया पड़ा है भूल में, भगवान को भूल जाता है। बोले भगवान का नाम ले लीजिए, बोले जी टाइम नहीं, वो सो गया व्यक्ति, उसका भाग्य सो गया। सोना और सोना दोनों में कलयुग का वास है। कैसे राजा पर असर पड़ा कलयुग का? जब कलयुग को मारने लगे राजा परीक्षित, कलयुग ने राजा परीक्षित के चरण स्पर्श कर लिए, पैर पकड़ लिए, हर किसी से पैर भी नहीं छुआने चाहिए, स्पर्श
हर किसी से नहीं करना चाहिए। कोरोना में क्या परहेज था? छूना मना है, दो गज की दूरी और है जरूरी। ऐसे ही देखिए एक नियम है, साधु महात्मा को प्रणाम करना चाहते हो तो मेरा आप सबसे आग्रह है दूर से ही निवेदन प्रणाम करना चाहिए। पहली माताएं को समझदार भी थी, अगर वो चरण स्पर्श करती थी तो कपड़े से कहीं कर देती थी, हाथ नहीं लगाते थे, मर्यादा पवित्रता का ध्यान विशेष रखना चाहिए। यही भक्ति का धर्म का एक चरण है, सत्य दान दया और पवित्रता, जिसमें ये है वो धार्मिक है। जो सत्य बोलता नहीं, दान करता नहीं, हृदय में दया नहीं और मन से पवित्र नहीं शरीर से, कोई धार्मिक नहीं, उसका कोई धर्म नहीं, कोई दीन ईमान नहीं उसका। राजा परीक्षित को कलयुग ने स्पर्श किया चरण से और पूरे शरीर में उसका दोष फैल गया, बुद्धि विकृत हो गई। वही संत को ओम नमो नारायण कहने वाला राजा परीक्षित पुनः आश्रम में गया तो कहते हैं महाराज, हे बाबा जी, मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है, कृपया जल पिलाइए। अब महाराज तो ध्यान में है, कोई पता नहीं कौन आया कौन नहीं। फिर राजा परीक्षित ने जोर से आवाज लगाई, आपको पता नहीं मैं कौन हूं, मैं राजा हूं, परीक्षित है मेरा नाम, ढोंग कर रहे हो, मुझे देखकर आंख बंद कर लिए। ऐसे भक्ति होती है भाई, ये दिखावे की भक्ति करते हैं आजकल के संत। भक्ति होती है सुबह सुबह चार बजे, ये दिन में भक्ति कर रहा है, ये कौन सी भक्ति है? राजा आया है आश्रम में, उठना चाहिए, स्वागत करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए, जलपान कराना चाहिए। महाराज का कोई पता नहीं, अहंकार में आकर के कलयुग के प्रभाव से राजा ने क्या देखा, पास में एक मरा हुआ सर्प पड़ा है, उसी सर्प को धनुष की नोक से उठाया, बाण के नोक से, और ऋषि के गले में जा दिया, चले गए। दो शिष्य खेलते खेलते बालक वहां आए, उन्होंने देखा महाराज के गले में किसी ने मरा हुआ सर्प डाल दिया। वो जा रहे हैं कौन? बोले राजा परीक्षित हैं, वही डाल कर गए हैं अभी अभी। दौड़े दौड़े वो दोनों ऋषि कुमार पास में नदी में श्रृंगी ऋषि स्नान कर रहे थे, शमीक मुनि के पुत्र, शमीक मुनि के पुत्र श्रृंगी ऋषि, श्रृंगी ऋषि के पास में गए। महाराज महाराज ऋषि श्रृंग अनर्थ हो गया, मैंने क्या हुआ? राजा परीक्षित आए थे आश्रम में, आश्रम में आए थे बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। महाराज आपके पिताजी से राजा परीक्षित ने पीने के लिए जल मांगा, आपके पिताजी समाधिस्थ थे, उन्हें पता नहीं चला कि महाराज आए हैं, और महाराज इतने अहंकार में जय जय श्री राधे।
महाराज परीक्षित इतने अहंकार में आ चुके हैं, राजमद हो गया है, कि जल ना पिलाने पर मरा हुआ सर्प अपने बाण की नोक से उठा करके आपके पिता श्री के गले में डालकर चले गए। जैसे ही श्रृंगी ऋषि को पता चला, 9 वर्ष की आयु में है श्रृंगी ऋषि की, 9 वर्ष के बालक को सब शक्तियां प्रदान कर दी, जो वो सोचते हैं जो वो बोलते हैं वही हो सकता है, ऐसे सिद्ध हो गए। एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, बालकों को शिक्षा अवश्य दें, पर ऐसी कोई विद्या उसे ना दें कि वो ऐसा अनर्थ कर दे जिसका कोई काट ना हो, जिसका फिर कोई उपाय ही ना हो। इतनी ऊंची शिक्षा उस बालक को नहीं देनी चाहिए जब तक उसमें सहनशीलता नहीं। वहीं स्नान करते करते श्रृंगी ऋषि ने हाथ में जल लिया और वाक बाण छोड़ दिया, वाणी का बाण आज से 7वें दिन जिस गुली का सर्प मेरे पिताजी के गले में डाला है, तक्षक सर्प था वो, वही गुली का तक्षक सर्प आज से 7वें दिन राजा परीक्षित को दंश लेगा और उसकी अकाल मृत्यु हो जाएगी। नमक पार्वती। और दौड़े दौड़े अपने पिता के पास में आए, देखते ही रोने लगे, पिताश्री पिताश्री उठिए पिताश्री, समाधि को त्यागिए और देखिए, ऐसे झकझोर दिया पकड़ के। पिताजी ने आंखें खोली, बेटे क्या बात है, इतना व्याकुल क्यों है, दुखित क्यों है, परेशान क्यों है। कहने लगे पिताजी देखिए आपके गले में राजा परीक्षित ने मरा हुआ सर्प डाल दिया। महात्मा ने देखा, शमीक ऋषि ने अपने हाथ से उसको उतार के उसके अंतिम क्रिया कर दी, मिट्टी की गड्ढा गड्ढा खोद के वस्त्र उठा के समाधि दे दी उसको और कहने लगे पुत्र किसने किया ये? बोले पिताजी जिसने भी किया है, नाम तो बाद में बताऊंगा, पर मैंने उसको सजा दे दी। बोले कुछ तो बताओ, ये राजा परीक्षित आए थे, उसने यहां आकर के जल मांगा पीने के लिए, आप समाधि में थे, लेकिन अहंकार वश राजा परीक्षित आपके गले में मरा हुआ सर्प डाल के आपको पाखंडी दिखावे की भक्ति करने वाला बहुत मुश्किलियों में बुद्धि भ्रष्ट कर दी और बोल कर चले गए। मैंने उसे श्राप दे दिया, आज से 7वें दिन तक्षक सर्प के काटने से उनकी अकाल मृत्यु हो जाएगी। शमीक मुनि ने अपने पुत्र से कहा, अरे बालक ऐसा अनर्थ कर दिया, संतों का ऐसा स्वभाव नहीं होना चाहिए, ये तो राजा परीक्षित पांडवों के पुत्र हैं, बड़े धर्मात्मा हैं और इन्हीं राजाओं की वजह से आज हम इस निर्जर वन में तपस्या कर सकते हैं। राजा के भय से चोर डाकू ठग हमको परेशान नहीं करते और हम आनंद से भजन करते हैं। दो शिष्यों को बुलाया, गौरमुख नाम के शिष्य को बुलाया और कहा, बाल यहां आओ, अभी अभी राजा परीक्षित के पास जाओ और उसको सूचना दो, श्रृंगी मुनि से ऐसी गलती हो गई और आज से आपके पास केवल
और केवल साथ देने दे। साथ में दे दे तक सक सर्प के डसने से आपके अकाल मृत्यु हो जाएगी। आप यदि अपनी मुक्ति का कोई उपाय कर सको तो कर लीजिए। दो शिष्य गए महाराज के दरबार में। जैसे ही राजा परीक्षित घर पहुंचे थे राजमहल में, और राजमहल में जाते ही जैसे विश्राम करने लगे, अपने शीश से वो स्वर्ण मुकुट उतारा और दर्पण में अपना चेहरा देखा, और वो कलियुग का वास था मुकुट में सोने में, वो कलियुग के साथ में उतर गया। और ख्याल आया, रानी को बुलाया, रानी देवी आज तो अनर्थ हो गया, मेरे हाथ से पाप हो गया, मेरी बुद्धि मारी गई थी, भ्रष्ट हो गई थी, कहां तो हमारे पूर्वज संतों को भगवान मानने वाले, और कहां मैंने आज समीप मुनि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। मुझे सुबह जल्दी जगाना, सुबह होते ही मैं समीप मुनि के पास में जाना चाहता हूं, क्षमा प्रार्थना करूंगा, माफी मांग लिया। इतनी बात रानी को बता रहे थे तभी वो ऋषि कुमार आ गए। प्रहरियों ने सूचना दी, महाराज वो ऋषि कुमार आए हैं। बोले अंदर भेज दीजिए। ऋषि कुमारों ने बताया, महाराज आपके पास 7 दिन हैं, श्रृंगी मुनि ने आपको श्राप दे दिया, आज के 7वें दिन अकाल मृत्यु हो जाएगी तक्षक सर्प के दर्शन से। राजा ने जैसे ही सुना कोई दुख नहीं हुआ, मृत्यु तो अटल सत्य है। रानी के पास आए महाराज, फिर से कहने लगे, रानी एक बड़ी खुशी की बात मैं आपको बताना चाहता हूं। बोले क्या महाराज? रानी बात यह है कि मैं कोई अपने मृत्यु को बता नहीं सकता, 1 मिनट का भरोसा नहीं, लेकिन मैं बता सकता हूं कि 7 दिन से पहले मैं मर नहीं सकता। बोलो जय श्री कृष्ण। अगर 7 दिन से पहले मैं मर जाऊंगा तो ऋषि कुमार का श्राप कैसे पूरा होगा? इसलिए रानी मेरे को श्राप नहीं, श्रृंगी मुनि ने एक वरदान दिया कि 7 दिन तक आप मर नहीं सकते, आपकी मुक्ति का कोई उपाय कर लीजिए। मुक्ति का कोई जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का वचन कर ले। परीक्षित ने अपने पुत्र जनमेजय को बुलाया, तुरंत राजगद्दी पर विराजमान किया, राजतिलक किया और रानी से कहा, रानी 7 दिन मुझे मिले हैं, और मुझे नहीं, मुझे लगता है 7 ही दिन सबको मिले हैं, 8वें दिन कोई जी नहीं सकता। सप्ताह में कितने दिन होते हैं?
सात। हम सब कितने दिनों में जीते हैं? सात दिनों। आज रविवार है और सात दिन बाद आठवें दिन फिर से रविवार आ जाएगा। आठवां दिन कोई होता है क्या? आठवां नहीं होता, आठवां तो वही आ जाता है दोबारा से। सबके पास सात दिन है, मुक्ति का कोई जतन कर ले। एक माई को रोज चार चार माताएं और बुला कर लेके आने चाहिए। बोले जय श्री कृष्ण। यही मुक्ति का जतन है। जैसे काम में हम दूसरे को लगाते हैं, प्रेरित करते हैं, प्रेरणा देते हैं, वैसा ही फल हमें मिलता है। किसी को गलत काम में लगाएंगे, पाप किसे लगेगा? लगाने वाले को। और अच्छे काम में लगाएंगे, ले जाएंगे, पुण्य किसे मिलेगा? अच्छी शिक्षा देने वाले को, अच्छी सलाह देने वाले को, अच्छी संगत वाले को। राजा परीक्षित घर का राज का परित्याग करके चले गए। हरिद्वार में जाकर कहां? शुक्रताल। हरिद्वार में नहीं, शुक्रताल सुना होगा। वहां पर जाकर के राजा परीक्षित बैठ गए। सबको पता चला, ऋषियों को, महात्माओं को, दिव्यात्माओं को, अमलात्माओं को। बोले अनर्थ हो गया, बड़े अच्छे राजा मिले थे हमें, जो सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले। राजा कैसा होना चाहिए? जो हमारे मंदिरों की प्रशंसा करे, मंदिरों का जीर्णोद्धार करे, संतों को प्रणाम करे, धर्म का पालन करे। ऐसा ही राजा धर्मो रक्षति रक्षितः। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। बोलो जय श्री कृष्ण। जो धर्म की रक्षा नहीं कर सकता, जो देश के हित में नहीं सोच सकता, वो अपने हित, अपना भी हित नहीं सोच सकता। देश से हम हैं, धर्म से हम हैं। सब संतों को जैसे पता चला और सब संत बोले चलो परीक्षित के पास। दूर दूर से संत आने लगे, बड़ी लंबी लंबी आयु वाले वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, भरद्वाज, जमदग्नि, परशुराम, स्वामी सुखदेव मुनि जी महाराज, अत्रि, अंगीरा, नारद मुनि, एक से एक संत वहां आए। राजा परीक्षित से पूछने लगे, महाराज आपको श्रृंगेरी ऋषि ने श्राप दे दिया। राजा ने कहा किसने बताया? बोले इसकी आवाज कम है, कम है। परीक्षित कहते हैं गुरुदेव, श्रृंगेरी ऋषि ने मुझे श्राप नहीं दिया, मुझे वरदान दे दिया। बोले वरदान क्या? ऐसा वरदान मुझे दे दिया कि मैं एक जगह बैठा रहूं और बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी तपस्वी यहीं पर आके दर्शन देते रहे। बोले जय श्री कृष्ण। आपके दर्शन कहां होते हैं और आज आप स्वयं चल के आ रहे हैं मुझे दर्शन देने के लिए। कृतार्थ हो गया, मैं धन्य हो गया। ये श्राप नहीं, मैं इसे वरदान मानता था। हजारों की भीड़ में साधु महात्मा संत वहां पहुंच गए। और स्वामी सुखदेव मुनि जी को पता चला। सुखदेव मुनि जी ने भी सोचा चलो परीक्षित का दर्शन करते हैं, बड़े अच्छे धर्मात्मा राजा हैं। राजा
भगवान विष्णु का स्वरूप होता है यदि वह धर्मात्मा है। राजा सब प्रजा के लिए पिता के समान होता है यदि राजा धर्म का पालन करता है। स्वामी सुखदेव मुनि जी बड़े उच्च कोटि के संत परम वैष्णव परम हंस अकेले चले जा रहे हैं, कोई भीड़ नहीं। दिगंबर वेश है, चार अंगुल की कुपीन है शरीर पर, और कोई वस्तु नहीं, कोई शरीर पे वस्त्र नहीं। जैसे ही परीक्षित की सभा में आए, हजारों संत खड़े हो गए। वेद व्यास भगवान स्वामी सुखदेव मुनि जी के पिताजी पराशर जी, उनके दादा पर दादा वशिष्ठ आदि सब संत खड़े हो गए। और स्वामी सुखदेव मुनि जी जब सभा में पधारे तो संतों ने परीक्षित के कान में कहा, अब आपका उद्धार हो गया। समझो हजारों संतों से परीक्षित ने पूछा था कि गुरुदेव मेरे पास 7 दिन हैं, कोई ऐसा काम बताइए जिससे मेरा मुक्ति हो जाए। कोई कहता है गीता का पाठ कर लो, कोई कहता है वेद का पाठ कर लो, कोई कहता है उपनिषदों का ब्रह्म ज्ञान का अभ्यास कर लीजिए। सबने अलग अलग राय दी, लेकिन पूर्ण रूप से कोई निश्चय नहीं कर पाया कि केवल यही काम कीजिए। जब स्वामी सुखदेव मुनि जी आए, उन्होंने व्यास पीठ सजाई, माला वगैरह मंगवाने लगे, तो कहने संतों ने कहा, ज्यादा दिखावा पसंद नहीं स्वामी जी को, जल्दी से जो बात पूछनी है बस वही बात करिए। परीक्षित ने व्यास पीठ पर विराजमान करके चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, गुरुदेव मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। जल्दी मरने वाले व्यक्ति को जिसका काल सर पे है, अपने मुक्ति के लिए कौन सा उपाय करना चाहिए? और स्वामी सुखदेव मुनि जी महाराज ने तुरंत बोल दिया, श्वास श्वास में हरि भजो, वृथा श्वास ना खोए, ना जाने इस श्वास का आना होए ना होए। भैया मुक्ति चाहते हो तो इतनी बातें पूछने की बताने की करने की जरूरत ही नहीं, जितने श्वास बचे हैं उनमें हरि का नाम बसा। विषयों से अगर मुंह फेरे यह बंदा तो जीवन सुधार हो जाए, मेरा पार हो जाए। विषयों से अगर मुंह फेरे साथ सवेरे यह बंदा।
भी है, एक विद्या है अध्यात्म की, और जो आपको समझाया जाए सुनाया जाए उसको सलासत मानिए, उसको संतों का आदेश मान लीजिए, बस उधर आ जाएगा। आज्ञा है ये खाना पीना हो जाए।
बची है उसे बचा ले, बची है उसे बचा ले, हंस गई सो गई जो, बची है उसे बचा ले, बची है उसे बचा ले। स्वामी सुखदेव जी महाराज से पूछा, परीक्षित ने, गुरुदेव भगवान सृष्टि को बनाते कैसे हैं? स्वामी जी ने बताया, भगवान को सृष्टि को बनाने के लिए किसी सामग्री की आवश्यकता नहीं पड़ती। बर्फ में से जल अपने आप निकल जाता है, बर्फ पर कुछ करना नहीं पड़ता। इसी प्रकार भगवान जरा मुस्कुराते हैं तो दुनिया बन जाती है। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, तूने हरे को भगवान जरा सा मुस्कुराते हैं दुनिया बन जाती है। जैसे ही भगवान ने विचार किया, मैं एक हूं क्यों ना अनेक हो जाऊं, एक हम बहुत श्यामा हैं, मैं एक हूं अनेक होकर देखता हूं कैसा आनंद आता है। बस दुनिया बन गई, नाभि से कमल का फल उत्पन्न हुआ, कमल फल से ब्रह्मा और ब्रह्मा से ऋषि मुनियों की सृष्टि, और मनुष्य तब तक नहीं थे। ऋषियों में और मनुष्यों में अंतर होता है। ऋषि तो थे, मनुष्य कब बने? जब ब्रह्मा जी ने मनु और शत्रु का दाहिने अंग से महाराज मनु को प्रकट किया और वाम अंग से महाराज ने शत्रु का, और मनु से कौन बने? मनुष्य, मनुष्य बने, इसीलिए हम कह मनुष्य। और ऐसे बताया स्वामी सुखदेव जी महाराज ने, बताया कि चार श्लोक श्रीमद् भागवत के
नारायण भगवान विष्णु ने परम पिता महाब्रह्मा जी को सुनाए सृष्टि के आरंभ में कौन कौन से श्लोक तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः यथा महान्ते भूतानि भूतेषु चावजेष्वनो प्रविष्टान्या प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्त्वजिज्ञासुरात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। ये चार श्लोक भागवत के ब्रह्मा जी को विष्णु भगवान ने प्रदान किए। ब्रह्मा जी ने पूछा, महाराज अर्थ कुछ समझ में नहीं आया। श्लोक तो आ गए तो भगवान ने छोटे से बात में ही सारा बता दिया। बोले इसका अर्थ ये है, सृष्टि से पहले जब कुछ भी नहीं था तो मैं था, जब सब सृष्टि है तो भी मेरे सिवा कुछ नहीं, सब में मैं ही हूं, और जब कुछ भी नहीं रहेगा तब भी केवल मैं ही बचूंगा। और भगवान ने पश्चात पंच तत्व अग्नि जल पृथ्वी वायु आकाश सबका निर्माण किया, पंच तत्वों से सृष्टि का प्रकृति के द्वारा भगवान की माया सहित संचालन होने लगा। परीक्षित ने कहा, महाराज ये अधम शरीर ये भी इन्हीं पांच तत्वों से बना है। चित्त जल पावक गगन समीरा पंच रजत अति अधम शरीरा, जल पावक गगन समीरा पंच रजत अति अधम शरीरा। स्वामी जी कहने लगे, अति अधम नहीं है, अति अधम शरीर नहीं, अति पवित्र समझ लो। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावे राम सों, मन ही करे अजीत। ये मन ही भगवान से मिला देता है और मन ही दुविधा खड़ी कर देता है। बोले फिर आप इस शरीर को क्या समझते हैं? तो स्वामी जी ने बताया, ये साधन है वैकुंठ लोक में जाने के लिए, ये जहाज है, ये अधम नहीं। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाएंगे परलोक हमारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाएंगे परलोक हमारा। साधन है ये वैकुंठ लोक में जाने के लिए, ये जहाज है आपका शरीर। क्यों? क्योंकि सुमिरन इस शरीर से ही कर सकते हो, सेवा इस शरीर से ही कर सकते हो, सत्संग इस शरीर से ही हो सकता है, बिना शरीर के कैसे करोगे? और जो नहीं करता वो क्या करता है? सो परत्र दुख पावहि, फिर सिर धुन धुन पछताहि, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। समय पे स्मरण नहीं करते तो क्या करते हैं? बाद में पछताते हैं।
और तीन बातें रह जाती है उनके पल्ले में। एक पहली बात बोले सिमरन तो मैं भी करना चाहता था पर टाइम नहीं लगा, बोलो जैसे कृष्ण। दूसरी बात सिमरन तो मैं भी कर लेता पर मेरी किस्मत में ही नहीं था। और तीसरा करता तो मैं जरूर पर करता कैसे, भगवान ने नहीं चाहा कि मैं कर। ये तीन बातें रह जाती हैं। कर्महीन नहीं होना चाहिए, ये भगवान है नारायण और भगवान कहते हैं कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भु मा ते संगोस्तु अकर्मणि। कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना, इतनी देवो हवा गुबारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना, इतनी देवो हवा गुबारा फूटे ना। कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना, इतनी देवो बोले गुरु जी मैं क्या बता सकता हूं पर आप पूछना चाहते हैं तो पूछिए। परीक्षित मैं तेरे से पूछना चाहता हूं तुम्हारी सोच के अनुसार भगवान किसको मिलते हैं। परीक्षित ने कहा भगवान तो बहुत अच्छे अच्छे काम करता है जो उसी को मिलते हैं। तो बोले सदन कसाई का नाम सुना है? बोले जी सुना तो है, उसने कौन से अच्छे काम किए थे? बोले जी फिर लंबी आयु वाले को मिलते होंगे, 130 साल के बाद भी रहते हैं पहाड़ में उसी को मिलेंगे। परीक्षित बड़े कमाल की बात करते हो, मैं आपसे पूछता हूँ ध्रुव बालक की क्या आयु थी? 5 वर्ष। बोले जी फिर भगवान पढ़े लिखे को मिलते होंगे तो विद्वान है। परीक्षित जब गज ने हाथी ने पुकारा भगवान नारायण को और भगवान क्षण मात्र में प्रकट हो गए, हाथी ने कौन सी पीएचडी कर रखी थी क्या जो उनको भगवान मिल गए? बोले फिर भगवान ऊंची जाति वाले को मिलते होंगे। हंसने लगे गुरुदेव। बोले विदुर के बारे में जानते हो या भेलने के बारे में आपको मालूम नहीं है? विदुर की जाति क्या है? दासी का पुत्र है और भगवान ने दुर्योधन के विवाह त्यागे साथ विदुर घर खाए। बोले फिर महाराज पराक्रमी को योद्धा को भगवान मिलते होंगे। बोले उग्रसेन में कौन सा बल पराक्रम था? कंस के जेल में बंद थे उग्रसेन महाराज और जेल में ही भगवान दर्शन देने के लिए पहुंच गए। जय श्री कृष्ण। बोले फिर सुंदर को मिलते होंगे। स्वामी जी कहने लगे उपजा का नाम सुना है? 3 जगह से टेढ़ी थी वो। और भगवान नाम सुना के कहने लगे देवी
ये चंदन आप मुझे लगा दो, उपजा कोई सुंदरी नहीं थी लेकिन भगवान मिल गए। बोलो फिर धनवान को मिलते होंगे भगवान, वो बताते जाते हैं और स्वामी जी उनकी बात का उत्तर देते जाते हैं। बोले ऐसा है, सुदामा के पास में कौन सा धन था जो भगवान ने उनको भाग के गले से लगाया है। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी पर रात को हाथ छुयो नहीं नैन के जल सो भगलोए, पानी पर रात को हाथ छुयो नहीं नैन के जल सो भगलोए। सुदामा के पास कौन सा धन था? बड़ा गरीब ब्राह्मण था सुदामा, हार गया परीक्षित बताते बताते पर बता नहीं सका। अंत में स्वामी सुखदेव मुनि ने कहा, व्याधस्य चरणं ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का जातिर्विदुरस्य यादववते उग्रस्य किं पौरुषम् उब्जा यहाँ कि मरूप तत्र मधिकम् किं तत् सुदाम्नो धनम् भक्त्या तुष्यति केवलं परमया भक्ति प्रियो माधव। भगवान कैसे मिलते हैं? प्रेम से। प्रेम प्रेम तो सब कहें, प्रेम न जाने कोई, जिस प्रेम से हरि मिले प्रेम कहावे सोई। सत्संगति से प्यार करना सीखो जी, 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 सत्संगति से प्यार करना सीखो जी। Yeah.
लेकिन मैं आपको कहता हूं, आप आधा राज नहीं दे सकते, अति लोभ में ग्रस्त हो तो आप पांडवों के लिए 5 गांव दे दीजिए। एक एक गांव में वो रह लेंगे और मैं उनको समझा बुझाकर मना भी लूंगा और महाभारत का युद्ध टल जाएगा। दुर्योधन अहंकारी है, कहता है सुचक्रे नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव, सुई की नोक के बराबर जगह भी नहीं दूंगा केशव, आप तो 5 गांव की बात करते। भगवान कहते हैं होने को कौन टाल सकता है, अब तेरी भैया तेरा काल बोल रहा है, मैं कर क्या सकता हूँ। दुर्योधन कहने लगे केशव ये सब बातें बाद में होती रहेंगी, आपकी बुआ ने मेरी माँ गांधारी ने आपके लिए भोजन प्रसाद बनाया है। भगवान कहने लगे दुर्योधन भोजन मैं आपके पास नहीं करूंगा। बोलिए जय श्री कृष्ण। बोले जी क्यों आए मेरे पास हो, भोजन मेरे पास क्यों नहीं करोगे। बोले देखिए भोजन 2 परिस्थितियों में किया जाता है, या तो भोजन करने वाले को बड़ी जोर की भूख लगी हो, फिर कैसे भी वातावरण में माहौल में वो चला जाए भूख से भोजन करना ही पड़ता है, या फिर चाहे भोजन करके आए हों और भोजन कराने वाले के मन में आहा अति प्रेम हो, और प्रेम में बोले खाना ही पड़ेगा चाहे एक फुलका खा ले। बोले यहां तक खा के आ रखा है, बोले फिर भी खाना पड़ेगा तो प्रेम में। बोले भैया देखो तेरे मन में तो प्रेम नहीं और मुझे भूख नहीं, इसलिए मैं भजन नहीं करूंगा, और वैसे भी मैं इसलिए भोजन नहीं करूंगा
क्योंकि विदुर जी का निमंत्रण आया है और मेरे गोविंद विदुर के घर में आए। विदुर जी तो गए थे बाजार में कुछ भोजन की व्यवस्था के लिए और घर में विदुरानी नहीं, कुछ केले के फल रखे थे डलिया में, गोविंद के सामने लेकर के आई। बेहुल है, ऐसे उत्साहित हैं, ऐसे ही प्रफुल्लित हैं, आनंदित हैं, अतिरिक्त में हैं आनंद के, और विचार नहीं कर पाई। और गोविंद को जैसे वो केले खिलाना चाहती हैं, लेकिन केले के फल तो डलिया में डाल रही हैं और केले का छिलका गोविंद के हाथ में थमा दिया। और मेरे गोविंद ने नेत्रों में नेत्र डाल करके देख रहे हैं, बोले भक्त हो तो ऐसा हो, जय प्रेम हो तो राती विदुरानी के जैसा हो। और भगवान ने केले का छिलका ले लिया, खाने लगे, एक खाया, दो खाए, चार, पांच, दस, बारह खा गए, बोले जय श्री कृष्ण। और इतने में विदुर जी आए माखन लेकर के, मिस्त्री लेकर, पेड़े लेकर के। और विदुर जी ने आया समझे हो कृष्ण आएंगे, बोले आएंगे नहीं तो प्रसाद पा रहे हैं, प्रसाद अभी तो मैं लेके आया माखन मिस्त्री पेड़े, बोले हाँ आप आइए, वो केले का प्रसाद पा रहे हैं। विदुर जी ने आकर के देखा भगवान छिलके खा रहे हैं। विदुर जी ने कहा अरे पगली, पता नहीं कैसे सौभाग्य से भगवान हमारी कुटिया में पधारे और आपने सेवा की बजाय इनको छिलके खिला दिए। विदुर ने कहा गोविंद ये छिलके छोड़ दो और ये पेड़ा खा करके देखो, और ये देखो मैं आपके लिए माखन मिस्त्री लेके आया, क्योंकि आपका बचपन से ही माखन चोर हो ना, मुझे पता है कि माखन आपको बड़ा प्रिय लगता है, खाके जरा बताना कैसा लगा। थोड़ा सा माखन खाया, जरा सा पेड़ा चखा, और गोविंद कहने लगे काका एक बात बोलूं, मीठा तो है पर काकी के छिलकों से ज्यादा मीठा नहीं है। बोले जय ये सब बातें हैं। भगवान कृष्ण चले गए द्वारिका, और द्वारिका में भगवान का स्वर्ग वैकुंठ गमन हो गया था। अंतिम समय में भगवान को उधो मिलते हैं। उधो ने भगवान से पूछ लिया कि भगवान आप जा रहे हैं? हाँ हाँ, उधो मेरा कार्य पूरा हो गया, मैं वैकुंठ लोक में जा रहा हूं, मेरे लिए कोई सेवा कोई आज्ञा? हाँ उधो एक आज्ञा है, यदि आपको विदुर मिले तो उनको बताना कि जाते जाते भगवान कृष्ण आपको याद कर रहे थे। बोले जय श्री कृष्ण। देखिए भक्त वो होते हैं, हम चाहते हैं कि अंतिम समय में हम भगवान को याद करें, और भक्त वो हैं विदुर के जैसे जिनको जाते जाते भगवान याद करते हैं। बोले जय श्री कृष्ण। और अचानक भगवान की चरण पादुकाएं विदुर ने ले ली, मस्तक से लगाई, विदुर वहां से चले और उधर से वो उधो उधो चलते हैं और विदुर जी मिलते हैं उनको सरस्वती नदी के किनारे तीर्थ यात्रा में। जैसे ही उधव को विदुर जी का दर्शन हुआ, उधव दंडवत लेकर ले चरणों में साष्टांग प्रणाम करता हूं मैं आपका प्रभु, और विदुर जी उधव के चरणों में ले गए। दोनों एक दूसरे को प्रणाम करते हैं, यही जीवन है। त्रिनादपि सुनि चेन तरोरिव सहेष्णुना अम
मानिना मान देव कीर्तनीय सदा हरि। दूसरों को सम्मान देना और खुद मान की इच्छा न करना और सदा भगवान का कीर्तन करते रहना, हरे कृष्ण हरे राम, इसी का नाम भक्ति है। दूसरों की प्रशंसा करना सीखिए, निंदकों की कभी पूजा नहीं होती, प्रशंसकों की हर जगह प्रशंसा होती ही है। बोलिए जय जय कृष्ण। आपस में वार्तालाप हुआ, उद्धव कहते हैं विदुर जी आप बड़े सौभाग्यशाली हैं, आपको भगवान ने याद किया। बोले कैसे याद किया, मैंने ही बात चलाई थी कि केशव आपने जीवन काल में अनेकों बार भोग लगाया, 56 भोग लगते हैं आपके तो, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सबसे ज्यादा भोग प्रसाद में आनंद कब कब आया। तो विदुर जी भगवान ने मुझे बताया कि उद्धव देवियों के सामने तो कहना पड़ता है कि आपने बड़ी सुंदर बढ़िया सब्जी बनाई है, क्यों अगले समय भी खाना है प्रसाद को, लेकिन उद्धव आप अब यहाँ अकेले हो और मैं सत्य बताना चाहता हूँ अपने मन की बात। 24 के 24 अवतारों में मेरा भोग लगता रहा, लेकिन भोग प्रसाद में आनंद केवल दो जगह आया, राम बन के जब आया तो सबरी मैया ने जो बेर खिलाए और कृष्ण बन करके आया, विदुराणी ने केले के छिलके खिलाए, इनके जैसा आनंद कभी आया नहीं। जैसे जैसे कृष्ण जाति पात पूछ नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई, जाति पात पूछ नहीं कोई, हरि को भजे हरि का होई, जाति पात पूछ नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई, जाति पात पूछ नहीं कोई, हरि को भजे हरि का होई। और विदुर जी उद्धव से विदा लेकर के मैत्रेय मुनि के आश्रम में आ गया। मैत्रेय मुनि कौन है, ब्राह्मण है, परम संत है, और विदुर जी दासी के पुत्र हैं। लेकिन जब विदुर जी का आगमन भया, मैत्रेय मुनि ने दौड़ करके गले से लगा लिया विदुर जी को, आइए प्रभु आपकी प्रतीक्षा में कर रहा था। त्रिकालदासी संत होते हैं वो, विदुर जी बैठ गए और प्रश्न किया, प्रभु मैं आपसे पूछना चाहता हूं, परमात्मा की सृष्टि में कोई सुखी क्यों कोई दुखी क्यों, भगवान कभी नृसिंह बनकर आते हैं, कभी वामन बनकर आते हैं, कभी राम बनकर आते हैं, कभी कृष्ण बनकर आते हैं। मैंने सुना एक बार भगवान ने शुक्र का रूप भी धारण कर लिया, भगवान मत्स्य बन गए। मैं आपसे जानना चाहता हूँ भगवान के कुल कितने अवतार हैं। मैत्रेय मुनि हंसने लगे, विदुर जी आप सब कुछ जानते हो, लेकिन फिर भी संतों का एक ही काम है, वैसे तो हमारी कहावत होती है बोले बाबा जी के तीन काम, नहाना खाना सीताराम, और कोई काम नहीं होता। लेकिन बात यह है कि एक ही काम है परमात्मा का भजन करना, प्राणी मात्र का उद्देश्य है कि वो अपने कल्याण का विचार करे। मनुष्य जन्म का एक ही उद्देश्य मात्र होता है कि मनुष्य मानव ही है
जो अपने कल्याण के बारे में अपने उद्धार का दृढ़ निश्चय कर लेते हैं, जो अपने उद्धार का निश्चय कर लेता है, उसके लिए प्रयास करता है, वो सबका उद्धार कर सकता है। बोलिए जय श्री कृष्ण। जिसने अभी तक अपने एक अपना उद्देश्य है अपने उद्धार के लिए दृढ़ निश्चय नहीं कर लिया, वो तो दूसरों का उद्धार कैसे कर सकता है। बोलिए जय श्री कृष्ण। आपने पूछा परमात्मा किसी को सुखी और किसी को दुखी क्यों करते हैं, तो मैं कहता हूं परमात्मा ना तो किसी को सुखी करते ना किसी को दुखी करते। कौन का हो सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब दाता। अपने कर्म करता है व्यक्ति, कर्म का फल मिलता है, अच्छे कर्म करता है तो सुखी रहता है, बुरे कर्म करेगा तो फल तो मिलना स्वाभाविक है। हजारों जन्मों के बाद भी कर्म का फल चलता नहीं है, अवश्य कृतम कर्म शुभा शुभम। कोई सोचे कि मैंने गलत काम तो कर लिया और मैं भूल जाऊंगा तो फल नहीं मिलेगा, या लोग भूल जाएंगे तो उसका फल नहीं मिलेगा। जैसे हजार गौ माताओं के बीच में उसका बछड़ा अपनी गौ माता को ढूंढ लेता है कि मेरी माँ कौन सी है, उसी प्रकार से हमारे द्वारा किया गया अच्छा या बुरा कर्म 20-30 साल के बाद भी हमें ढूंढ लेगा और पकड़ लेगा कि ये काम तो तुमने किया था और ले उसका फल आज, ये अभी तक मिला नहीं था, आज संभालो। क्या क्या उधार था भैया, कर रखा है आपने, आप भूल गए, लेकिन मैं इसका फल हूँ, मैं आपको नहीं भूला, भूला कभी भूलूंगा नहीं, फल मिलेगा ही मिलेगा। बोलिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। पूछा परमात्मा अवतार कितने होते हैं भगवान के और भगवान अवतार क्यों लेते हैं, तो मैत्रेय मुनि ने बताया भगवान अवतार विप्रधेनु सुर संत हित, ब्राह्मण की गौ माता की संतों की सदगृहस्थ सज्जनों की भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। राक्षसों के लिए भगवान का अवतार नहीं होता, भक्तों के लिए आते हैं। राक्षस आपको बुलाए क्या आप उनके घर चले जाओगे, नहीं जाएंगे। और भक्त प्रेमी सज्जन लोग आपको बुलाएंगे आप जरूर चले जाओगे। भगवान संतों के बुलाने से आते हैं, भक्तों के बुलाने से आते हैं, वो तो आने के बाद भगवान सोचते हैं यहाँ व्यवस्था कुछ बिगड़ी गई है इसको सुधारता चलो, थोड़ी सफाई कर जाते हैं जाते जाते। बोलिए जय श्री कृष्ण। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैंने ऐसा सुना है भगवान ने एक बार सूअर का रूप भी धारण कर लिया था, ऐसे भगवान को क्या आन पड़ी। बोले ऐसा हो जाता है, सृष्टि के कल्याण के लिए भगवान किसी भी रूप को स्वीकार कर लेते हैं। एक बार कश्यप ऋषि की दो पत्नियां थी, दिति और अदिति।
दिति से दैत्य होते हैं, आदित्य से आदित्य होते हैं और देवता होते हैं। सब सब वैसे कश्यप ऋषि की 13 पत्नियां थी, सबको संतान नहीं थी, लेकिन जो दिति हैं उनको कोई संतान नहीं है। दिति ने कश्यप ऋषि से प्रणाम किया, कहने लगी स्वामी कुछ वार्तालाप करना चाहती हूँ। कहिए देवी, मेरी सब बहनें पुत्रवती हैं, आप मुझे कब वरदान देंगे? ऋषि कहने लगे देवी अभी मैं पूजा कर रहा हूँ, ये सायंकाल का समय है और पूजा करते करते ऐसे बातें करना उचित नहीं, लेकिन प्रिया हर्ष की वजह से वो नहीं मानती और हट हट सब जगह अच्छा परिणाम नहीं देती। घर के स्वामी जो होते हैं अगर वो अपने माताओं को बहनों को समझावे तो उनकी बात को मान भी लेना चाहिए, हट नहीं करना चाहिए। वो नहीं मानती और कश्यप ऋषि ने क्रोध में आकर के कहने लगे देवी जाओ, एक नहीं आपको दो संतानें होंगी, लेकिन आपकी जिद की वजह से वो दोनों संतानें राक्षसी स्वभाव की होंगी। अब पहले तो वो प्रसन्न हो गई जब दो संतानों का नाम लिया और जब अगली पंक्ति आई कि राक्षसी स्वभाव की होंगी तो बेचारी रोने लगी। ये आपने क्या बोल दिया महाराज, राक्षसी स्वभाव की क्या होंगी देवी संतानें? बोले देवी मैंने आपको बताया था ये शाम का समय है, शाम के समय भगवान भोलेनाथ अपने गणों के साथ में सबके घर में एक बार चक्कर लगाते हैं आसमान से और देख के जाते हैं क्या कर रहे हैं लोग, और शाम के समय चार काम वर्जित है, नहीं करने चाहिए। क्या? खाना नहीं चाहिए, या तो दिन छिपने से पहले खा ले और सूरज के रहते रहते, या फिर पूजा पाठ के बाद आरती के बाद, बीच में नहीं। दूसरा, संध्या की वेला में सोना नहीं चाहिए। तीसरा, संध्या की वेला में जो आजकल के बच्चों को पढ़ाई कराई जा रही है, माँ पिता बालकन बुलावही उधर भरे धर्म सिखावही, ये जो विद्या दे रहे हैं स्कूलों में ये कोई संस्कार की विद्या नहीं, कोई ज्ञान की विद्या नहीं, कोई भक्ति की विद्या नहीं, कोई माता पिता की सेवा की विद्या नहीं, ये ऐसी विद्या है जितना बड़ा बना देती है ये विद्या उतना ही माता पिता से और अपने परिवार वालों से आदमी अपने आप ही दूर चला जाता है और ऐसा कहता है माँ मेरे पास टाइम नहीं है। जितना ज्यादा पढ़ा दोगे आजकल की विद्या, बोले माँ टाइम नहीं है, अब मैं बड़ा बन गया ना, अब मेरे पास माँ बाप के लिए कोई टाइम नहीं है। मिट्टी गया तो हमारी टाइम है ही नहीं, तो ये पेट भरने की धन इकट्ठा करने की जो विद्या है ये शाम के समय नहीं पढ़नी चाहिए। शाम के समय हनुमान चालीसा का पाठ करो, भगवान की आरती करो, मंदिर में जाओ आरती में भगवान का सुमिरन करो, जाप करो, घर में स्वच्छ भक्ति करो, माता पिता को प्रणाम करो, दो दस मिनट बैठ के ये सोचो आज घर में मेरी वजह से कोई अशांति तो नहीं हुई, आज मेरे से कोई दिन में गलती तो नहीं हो गई, उस गलती की घर वाले लोगों से भी क्षमा मांगो और भगवान से भी, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं, घर में ही भगवान मांगो। बोलिए जय श्री कृष्ण। खाना नहीं चाहिए,
सोना नहीं चाहिए, विद्या पेट भरने की विद्या नहीं पढ़नी चाहिए, भगवान का नाम पढ़ना चाहिए, ग्रंथों का पाठ पढ़ना चाहिए और संध्या के समय गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं करना चाहिए। और जैसे कृष्ण नहीं तो जो संतान पैदा होएंगी वो राक्षसी स्वभाव का हो जाएगी। कुछ समय बाद प्रसव का समय आया और दो जुड़वा संतान हुई, हिरण्याक्ष और हिरण्यक्षेतु। ये हिरण्याक्ष और हिरण्यक्षेतु कौन थे? ब्रह्मा के पुत्र आपने सुने हैं चार, सनक, सनंदन, सनातन और संत कुमार। और हिरण्याक्ष हिरण्यक्षेतु कौन है? भगवान विष्णु के दो द्वारपाल। एतौ पार्षदौ मह्यं जयो विजय एव च कदर्थे कृत्य मां यतो बहव प्राता मते क्रमम्। जय और विजय पार्षद दो ऋषि शाप बस निश्चर भय सो। जय और विजय पार्षद दो ऋषि शाप बस निश्चर भय सो। जय और विजय नाम के दो राक्षस, दो पार्षद भगवान के लेकिन राक्षस बन गए। क्यों? कोई भगवान की भक्ति करता हो और जो उसको रोके, अभी तेरी उम्र नहीं, अभी तू बालक है, वो राक्षस बनेगा। बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसे भी राक्षस बन गए बस वो इतनी सी बात है। जैसे सनक, सनंदन, सनातन, संत कुमार, ब्रह्मा जी के चारों मानस पुत्र भगवान नारायण के दर्शन के लिए गए वैकुंठ लोक में और द्वारपाल द्वारपाल जय और विजय ने उन्हें रोक दिया, आप अंदर नहीं जा सकते। बोले क्यों? अभी नारायण भगवान विश्राम में हैं। हंसने लगे संत, कहने लगे माँ अपने बालकों के लिए कभी विश्राम में नहीं होती, और ये तो हमारे माता भी तुम्हें माता पिता तुम्हें, तुम्हें हो माता पिता तुम्हें हो, तुम्हें हो बंधु सखा तुम्हें हो, तुम्हें हो माता पिता तुम्हें हो, तुम्हें हो बंधु सखा तुम्हें हो, तुम्हें हो साथ तुम्हें सहारा जाइए राक्षस हो जाइए, राक्षस हो जाइए, राक्षस हो जाइए। कितनी बार बोल दिया? तीन बार बोल दिया, तीन जन्म लेना पड़ा। बोले जैसे संतों का सेवा बड़ी ध्यान से करनी चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए कि उनके मुख से कुछ ऐसा ना निकले, विनम्रता से चाहिए, श्रद्धा लेकर के जाइए, प्रणाम कीजिए या फिर थोड़ा दूर रहिए। अगर हम ऐसा नहीं कर सकते तो थोड़ी दूरी।
उनका स्वभाव सिद्ध हो जाती है वाणी। डरना चाहिए, कोई ऐसा वचन ना निकल जाए मुख से जो तुरंत सिद्ध हो जाता है। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, प्रणाम कीजिए गुरु महाराज के चरणों में, मैं प्रणाम करता हूँ, कोटि कोटि वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। करता करे न कर सके गुरु करे सब हो, सात द्वीप नौ खंड में गुरु से बड़ा न को, सारे तीर्थ धाम आपके चरण